लोकसभा में अमित शाह ने विपक्ष को जमकर घेरा है। जी हां, आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर तंज कसा है और कोई खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर प्रहार किया। कहा कि सदन में एक ऐसे नेता हैं जिन्हें आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और वो 13 बार ही फेल हो गए हैं और उनका एक लॉन्चिंग आज सदन में हुआ है। आज तक 13 बार राजनीति में वो लॉन्च किए गए हैं और 13 बार ही विफल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि एक गरीब माँ बुंदेलखंड की थी, कलावती नाम था। वे उनके घर खाने गए, गरीबी का वर्णन किया, वेदना को यहाँ बताया। सरकार 6 साल चली, वो कलावती का क्या करा? उस कलावती को घर, बिजली, शौचालय, अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया। केवल विपक्ष जाकर सभी का हालचाल पूछती है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर कार्य करना होता है तो वो केवल और केवल मोदी सरकार ही करती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो आप रख देते, अल्पमत का सवाल ही यहाँ पे पैदा नहीं होता है। देश के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन में नई आशा का संचार अगर किसी ने दिया है तो वो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने देश की जनता के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अगर जमीनी हकीकत से रूबरू होकर कोई देश के उत्थान के लिए कार्य करता है तो वो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि मैं हर छोटे क्षेत्र में जाता हूं, हर जनता से मिलता हूँ, तो मुझे अविश्वास की तो कोई झलक ही नहीं दिखती है। पूर्ण बहुमत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का साथ हमेशा ही रहा है। साथ ही कहा है कि 30 साल बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार देने का काम हमने किया है। ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आजादी के बाद देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा कार्य करते हैं, 24 घंटे में से 17 घंटे अपने कार्य पर वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और जनता के हित के लिए हमेशा आगे ही खड़े रहते हैं। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव का कोई भी महत्व नहीं बचता है। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।